अस्सलाम वालेकुम। अब आपने पैसे बना लिए हैं, अब आपने ये देखना है कि पैसे को फाइवर में या किसी और भी आपने ऑनलाइन साइट में से पैसे बनाए हैं, आपने देखना है कि वहां से पैसे वापस अपने अकाउंट में लाने कैसे हैं और आपने यूज कैसे करना है। उसके लिए एक ऑप्शन है पेनियर कार्ड की, उसमें और भी ऑप्शन है लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बता रहे हैं जो हमारे ख्याल में आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको कोई और ऑप्शन लगती है तो वो इस्तेमाल कर लें, हमें दूसरी ऑप्शन का नहीं पता, हम इस ऑप्शन को रिकमेंड करते हैं। इसके लिए ये पेनियर कार्ड है, इसके जब भी आप उसको साइन अप करते हैं तो आपको $25 या $29 वो पहले साल की फीस होती है वो लेते हैं। लेकिन हमारे गेस्ट राव तला के वजह से उन्होंने हमें जैम बताया है कि ये आप पहले साल में $25 अपने उस अर्न कैसे कर सकते हैं इससे पहले के फीस दें। बेसिकली वो आपको फीस चार्ज करेंगे, उसके बाद 2-4 दिन बाद जब आप $100 पहला ट्रांसफर करेंगे तो आपको वो $25 आपको क्रेडिट वापस कर देंगे। दैट्स हाउ यू सेव योर मनी। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग दी मनी। अर्निंग मनी इज वन थिंग, हाउएवर रियल वेल्थ इज जनरेटेड हाउ मच यू कैन कीप इट। आप फीसों में किसी को देने के बजाय या मिनिमाइज कर सकते हैं, फीसें खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि वो अमेरिका से पाकिस्तान में पैसे आपको दे रहे हैं तो फीसें खत्म नहीं कर सकते, उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं और आप भी पैसे बना रहे हो तो वो दूसरा कोई भी पैसे आपसे बना रहा होगा। तो आपको हम बता रहे हैं ये एक लिंक है, ये देखें ये लिंक, अगर आप देखें ये नीचे लिंक आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी .com/card CARD, ये मेरी तरफ भी लिंक है, रावतला की साइड पे भी एक ही लिंक नजर आ रहा है। हम आपको कोई और चीज बताना ही नहीं चाह रहे उस लिंक के अलावा। इस लिंक को अगर आप क्लिक नहीं कर सकते तो आप टाइप करें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के ऊपर नीचे किसी लेफ्ट राइट पे कोई ना कोई ये जगह पे लिंक दिया होगा, वहां पे क्लिक करें, बटन है तो उस पर क्लिक करें अप्लाई फॉर द कार्ड। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे अभी आपको ये स्क्रीन नजर आएगी जो अभी आपको रावतला सिखा रहे हैं। जी, जैसे कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास ना रिडायरेक्ट होके एक आध सेकंड लेगा, तो उसके बाद ये जो आपके पास इंटरफेस है ये आ जाएगा ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइन अप एंड अर्न $25 इस बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने। जब ये आपके पास लिंक ओपन होने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपसे कुछ चीजें मांग रहे हैं। यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ राव, एंड लास्ट नेम आपका तलहा, और ईमेल एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे जो भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको मेक श्योर कि ये आप सही लिख रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है उसके अंदर आपने वही एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर है। अगर आप 16-18 ईयर से कम हैं जैसे कि मैं हूँ, तो आप इस तरह करें अपनी मदर फादर या अंकल जिसके नेम पे मंगवा रहे हैं उनका आईडी कार्ड लें, उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लें और आपने यहाँ पे उन्हीं का नेम लिखना है। फिर ये टोटल अकाउंट उन्हीं के नेम पे होगा आपका, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी ईमेल एड्रेस जो आपका अपना है और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ। और अगर आप 18 प्लस हैं तो आप अपना यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि और अगर आप 18 प्लस हैं तो ये आप अपना नाम लिख रहे हैं, लेकिन ये नाम जो आपने लिखना है जो नादरा कार्ड पे जैसे अपीयर हो रहा है रियल नाम वैसे क्या वैसे लिखना है, वैसे शेख जट ये वो जो नादरा कार्ड पे नहीं लिखा हुआ वो नहीं लिखना, नेम एज इट अपीयर्स ऑन योर नादरा कार्ड। अगर आप 18 प्लस नहीं है, अगर आपके पास अभी अपना नादरा कार्ड नहीं है, तो फिर आप ये करें कि अपना नाम यहाँ पे ना लिखें, ईमेल अपनी डाल दें और अपने फादर का, मदर का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, कोई भी चचा मामा ताया जो भी आपके फैमिली में जिसके नाम पे आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपने उनका नाम लिखना है, उनका नादरा कार्ड का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी। ये ना कि डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख दें, नाम उनका लिख दें, उससे फिर आपको पैसे बाद में नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, फिर आप ये कहेंगे कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी। तो जस्ट बी मेक श्योर जिसके नाम पे पैसे आ रहे हैं आपने उनका नाम लिखना है, वो आपका अपना भी हो सकता है, आपके दूसरे अपने रिलेटिव का भी हो सकता है, वो पे आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये एड्रेस आ गया है, उसके बाद यहाँ पे आपने फिर अपना सिटी टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल और जिप कोड लिखना है। बेसिकली पोस्टल और जिप कोड वो कोड होता है जो आपके पोस्ट ऑफिस के एक नंबर अलॉट होता है उनको, वो पोस्टल कोड होता है। और वो आपने कैसे फाइंड करना है, सिंपली या तो आप अपने पोस्ट ऑफिस पे जाके उनसे पूछ लेंगे व्हाट इज योर पोस्टल कोड, एंड उसके अलावा आप अपना google.com ओपन करें और वो आपको पोस्टल कोड बता देंगे। अपने एड्रेस लिखें या आपका जो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी भगटा वाला पोस्टल कोड, अपना एड्रेस और साथ में पोस्टल कोड का वर्ड लिखेंगे तो आपके पास वो पोस्टल कोड आ जाएगा। मेरा पोस्टल कोड है 4280। ये जिप कोड है या पोस्टल कोड है? पोस्टल कोड है। ओके, पाकिस्तान में पोस्टल कोड होता है? जी बिल्कुल।
और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने देना है, लैंडलाइन नहीं दें अगर है भी तो ना दें, यहाँ पे आप अपना नंबर दें। जब आप अपना नंबर टाइप कीजिए, यहाँ +9 to 0 डालने की जरूरत नहीं है, जब आप 9 to डाल दिए, जब आप ये कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर पे जाना है। ये आप पाकिस्तान में दो तरह के एड्रेस हैं और गांव के भी लोग रहते हैं, 70% पॉपुलेशन गांव में है और शहरों के भी हैं। शहरों के तो एड्रेस इजी होते हैं, आप आराम से अपना टाइप कर सकते हैं, आपका जो पोस्टल जो आपका लेटर मेल है वो आपको इजीली मिल जाती है, विच इज वेरी कॉमन। असल मसले जो है वो गाँव के हैं, गाँव के एड्रेस भी बड़े अजीब से होते हैं, कोई स्ट्रीट नंबर नहीं होता, कोई घर नंबर नहीं होता, तो इस तरह करके। और वो डाकिया जो है, जो पोस्टमैन है, वो अपने आपके गांव में जरूरी नहीं है, वो आपके गांव में हो, वो किसी और दूसरे गांव से भी आता है, तो उसके जो मैकेनिज्म है पोस्टल डिलीवरी के वो डिफरेंट है। शहर के हैं तो आप अपना सिंपल एड्रेस टाइप कर लें, पहली लाइन पे आप स्ट्रीट एड्रेस लिख ले रहे, जैसे कंट्री पिक करें, फिर स्ट्रीट एड्रेस करें, फिर अपना सिटी करें, और ये आपकी तहसील है पहला वाला सिटी, जो सेकंड सिटी है वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, उस तरह कर लेते हैं। फिर जो पोस्टल कोड है वो आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने शहर का अपने अपने एड्रेस टाइप करके, ये आप जो एफ सेक्टर का है, जो जो भी आपका एड्रेस का है वो पोस्टल कोड आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन जो भी नंबर आपको मिले आपने अपने पोस्ट ऑफिस से उसको कंफर्म करना है, क्योंकि ये नंबर अगर गलत हो गया तो आपको शायद मेल, ये इंटरनेशनल मेल आएगी वो नहीं मिलेगी, या वो नहीं मिलेगी तो फिर आपके जो पैसे आए हैं वो शायद किसी गलत जगह पर डिलीवर हो जाए, यूज तो नहीं हो सकते मेरे ख्याल में, लेकिन वो गलत जगह, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, पता नहीं क्या बना, फिर आप कहेंगे कोई फ्रॉड हो गया मेरे साथ, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है। इससे पहले कि अगर आपको अपने घर का एड्रेस ही अगर सही नहीं पता तो आप अपने डाकिये से पूछ लें कि हमारे घर का एड्रेस सही क्या है, आई एम श्योर ये आपके कार्ड पे भी होगा, नादरा कार्ड पे भी, लेकिन ये वो एड्रेस आप दे डाल रहे हैं जो आपका एड्रेस है, ये आपका मीन जिसके नाम पे आप पैसे ले रहे हैं। और अगली बात ये कि ये जो फोन नंबर है, हम पाकिस्तान में जैसे नंबर कहते हैं 0300 या 0344, जो भी नंबर है आपका होता है, इंटरनेशनल में पहले कंट्री कोड हो, चूंकि पाकिस्तान आपने पहले ऊपर से सिलेक्ट किया, 92 जो कंट्री कोड है वो पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन जब कंट्री कोड पहले डालते हैं तो वो जो जीरो होता है 0300 या जो भी नंबर है, जीरो नहीं डालते, क्योंकि वो जीरो दरमियान में सिर्फ डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर कॉल करने के लिए होता है, बाहर से हम जब मैं अटलांटा से अगर पाकिस्तान किसी को कॉल करता हूँ मैं जीरो कभी डायल नहीं करता, मेक श्योर कि ये जो आपके जीरो ना डाले, ताकि वो अगर बाहर से अगर आपको फोन करने टेक्स करना चाहिए तो वो ये नंबर से ऑटोमेटिक सिस्टम टेक्स करते होते हैं मोस्टली कि आपका मेल कार्ड हो गया ये वो, ताकि वो कॉल भी कर सके और आपको टेक्स भी कर सके। थैंक यू। उसके बाद जब आप ये कम्प्लीट कर लें, एक मतलब देख लें अगेन और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं। जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो वो कहते हैं कि अपना सिटी वैलिड करें, ये अभी रावत ने क्या मिस्टेक किया है मुझे पता है, बहुत पाकिस्तानी ये करते हैं, आपने सिटी का नाम टाइप किया और आखिर में एक स्पेस डाल दी है, अब उस जो स्पेस है कंप्यूटर को तो नहीं पता स्पेस है, वो कहता है कि सरगोधा सिटी वैलिड ही नहीं है, आखिर में आपने स्पेस रिमूव करनी है, ये असल में मसला है। फिर कहते हैं वो जी मेरा तो सिटी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, असल वजह ये होती है जब वर्ड आप लिखते हैं उसके आखिर में कभी स्पेस नहीं होता। जी बिल्कुल, ये अब हम इसको मैं रिमूव कर दिया और अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे अब ये कम्प्लीटली आराम से होके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिटेल्स पूछेंगे आपसे, यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है, इंटर ये ईमेल यूजर नेम आपका ऑलरेडी यही रहेगा, और इंटर पासवर्ड री इंटर पासवर्ड। अच्छा, इंटर और री इंटर के अंदर मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ये कि आपने जो पासवर्ड बनाना है वो इस तरह बनाएं कि उसके अंदर कैपिटल वर्ड्स भी आए, उसके अंदर स्मॉल वर्ड्स भी आए, उसके अंदर आप करें अल्फाबेटिक ये गिनती के वर्ड्स भी यूज करें, और जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं वो यूज नहीं करने आपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, एक कैप्स लॉक ऑन था, आप देखें मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, ये मेरा पासवर्ड कंप्लीट हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये। और यहाँ पे वो कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि राउतारा ये हम सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए। देखिए पेमेंट आपकी आपके कार्ड में आनी है, और जब अगर आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल जाते हैं तो वो आपसे जरूर पूछते हैं जब आप फर्स्ट मरतबा वेरिफिकेशन वगैरह, ये तमाम कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नोट पैड की फाइल के अंदर इसको हमेशा हमेशा के लिए आप इसको सेव कर लें। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल था, बाय चांस कौन सा आ गया, चलें ठीक है। नेक्स्ट, जब हम ये कंप्लीट कर लें तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब ये सवाल का जवाब आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता, इसलिए दैट्स हाउ यू मेंटेन योर सिक्योरिटी। जी यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
जो है वो स्टेप है। यहाँ पे आपने वो चूज करनी है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप कौन से देने जा रहे हैं इनको। आप यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, नेशनल आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेशनल आईडी पे क्लिक करें। उसके बाद चूंकि मैंने राउतला सेलेक्ट किया था स्टार्ट में फर्स्ट और लास्ट टाइम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक राउतला आ गया। तो देखें अब ये जो चीज नीचे नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आपके आईडी कार्ड का स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम जो आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड पे यहाँ पे वो होता है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे नेशनल आईडी पूछ रहे हैं वो आपसे, तो वो आपने देनी है। मैं लिखता हूँ, आपने नादरा कार्ड का नंबर एंटर करना है, उसके में जो हाइफन हो, जो माइनस साइन होते हैं उसको आपने एंटर नहीं करना, सिर्फ नंबर ही एंटर करने हैं, 13 डिजिट जो नंबर होता है। इज दैट करेक्ट राव ताला? या एग्जैक्टली बिल्कुल। आपने अगर यहाँ पे स्पेशल करेक्टर यूज करेंगे तो वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऐसा तो कोई करेक्टर नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज आपको देखनी है, कोई भी आपने करेक्टर यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री अगेन के कौन से कंट्री से आपको ये इशू किया गया है, पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आपने आके, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इंटर अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस ये क्या चीज है। देखिए, आपको याद है कि हमने 2 स्टेप पहले हमने अपना एड्रेस टाइप किया था, ठीक है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो घर होता है वो बहुत ही ज्यादा इन होता है, यानी कि गांव वगैरह के पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर होता है, जो जो डाकिया वगैरह वहां पे रीच नहीं करते, या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ही मिल ही नहीं पाता उनको। तो उनके लिए ये इंटर अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आपको सिटी में भी नहीं मिल रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंटर अल्टरनेट ऑप्शन के अंदर आप वो जगह का एड्रेस टाइप करें जो कि एक बाजार है और पोस्ट ऑफिस से करीब है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन हल वो ये है कि आप अपने डाकिये को कॉल करें, आपका जो पोस्टमैन है एक मतलब उसके पास चले जाए ना। देखें, कोई भी काम करना है तो उसके लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आप उसके पास एक मतलब आ जाए, उससे बातचीत करें, उसको बोलें जी इस तरह की मेरी मेल आएगी और ये मेरा नंबर है, ये रख लें, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आके ये कार्ड में ले लूंगा ना, आपको दूर जाने की जरूरत। वो खुश हो जाएगा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपकी मेल आएगी वो आपको आके आप उसे अपनी जो मेल है वो ले सकते अगर आपका मेल आपके गांव में या किसी भी जगह किसी भी वजह से अगर आपके अपने घर में जो आपने अपना एड्रेस है उस पर नहीं डिलीवर होता है, तो ये उन्होंने एक अल्टरनेट भी दिया हुआ है, उनको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज होते हैं। आपने ये क्लिक एंटर अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस अगर आपने उसी वक्त करना है जब आपको पता है कि आपकी मेल आपकी जगह पर डिलीवर नहीं होती या सेफ नहीं है, कोई वजह कोई भी हो सकती है, आप शहर में या किसी जगह पे जो वेल नोन जगह है जहाँ पे डाकिया जो है वो बेसिकली वो करीब है उनके, या आपका कोई जाने वाला कोई शॉप का है जिसपे आप वैसे आते जाते रहते हैं, या स्कूल में या कॉलेज में किसी भी जगह दरमियान साथ वाले करीब वाले शॉप में आप कर सकते हैं, जानने वाले का एड्रेस दे दें, लेकिन आपने वह जानने वाले का ही नाम डालना है यहाँ पे, क्योंकि वो उसके नाम पे मेल आएगी। डोंट वरी, जो कार्ड है वो आपके नाम वो अंदर हो गया, ये सिर्फ लिफाफे के ऊपर का जो बाहर का डिलीवरी एड्रेस है ये वो वाला है। आपने एड्रेस की फॉर्मेट वही चेक करनी है, आप अपने जो पोस्टल कोड है वो आप जिसका एड्रेस दे रहे हैं उसका चेक करके डालना है, अपना नहीं डाल देना। ये ना हो कि एड्रेस का पोस्टल कोड अपना डाल दें, एड्रेस उसका डाल दें, फिर आपने खुद ही मिस्टेक कर ली, फिर कहें जी क्या बना, पैसे नहीं मिले, कार्ड नहीं मिला, फिर अब उसके हम आपको सारे वो प्रॉब्लम पहले से बता रहे हैं। अल्लाह ताला, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, वेलकम। अच्छा, उसके बाद आपने ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, एग्री एग्री एंड एग्री करके, उसके बाद जब ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो कार्ड है वो प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अभी हालांकि मैंने ईमेल गलत यूज की थी, लेकिन चलें उन्होंने कर दी है, चलो टाइम जाया होगा। तो देखें, यहाँ पे रिव्यू एंड एप्लीकेशन, ये सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आपको रिव्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में लेंगे। उसके बाद जब आप अपनी ईमेल ओपन करेंगे तो आपको 2-3 तरह की मेल आएंगी, और थर्ड मेल के ऊपर आपको ये बोल देंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो आपका मास्टर कार्ड है, वो आपको विद इन एक डेट बता देंगे कि उसके दरमियान में पहुंच जाएगा। आपने इस लिंक से आपने ये कार्ड किया है, अब इसके बाद आपको ईमेल आई है, वो ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक होगा, आप उस पर कर लें। जैसे अभी तक आपको सारा पता है ईमेल वेरीफाई करनी होती है, जब आपको कार्ड मेल में आएगा वहां पे उसके वो एक लेटर साथ भी होता है, उसको आपने ओपन करना है, उसको ओपन करके उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इस अकाउंट में आपने लॉग इन होना है और उसमें जो भी कार्ड और नंबर दिया है उसको आपने वेरीफाई करके एक्टिवेट करना है आपने, पहली बात। नंबर 2, ये जो $25 इस लिंक के थ्रू आपको मिलेंगे वो आपके कार्ड के बाद थोड़े दिनों बाद आपके पास, जब आप पहला $100 ट्रांसफर करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके कार्ड पे खुद ही आ जाएंगे। फ्री अकाउंट नहीं होना, स्टे काम, वो इतनी बड़ी कंपनी है वो आपको देते हैं, इसलिए हमने निगोशिएट करके आपके लिए किया ताकि आपकी सेविंग हो सके। थैंक यू सो मच राव तला। ये राव तला का ये आइडिया था सारा कि ये $25 कैसे सेव करते हैं, फिर मैंने उनसे बात की तो एंड पे वी गॉट इट फॉर यू वर्किंग, तो
तो आप इस तरह करें, आप खुद अप्लाई करें और आप जिसको जानते हैं आप उनके साथ भी लिंक, इस लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी, ताकि हम सारे पाकिस्तान में इमेजिन करेंगे मिलियन लोग अगर आप इस कार्ड, इस लिंक को यूज करेंगे तो पाकिस्तानियों के $25 मिलियन सेव हो जाएंगे। ये इस एक टिप की वैल्यू, राव तला आपको हम सलाम करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने इस टिप को शेयर किया और $25 मिलियन पाकिस्तान में बाहर की कंपनी लेने के बजाय पाकिस्तान में आ सकते हैं, आपके पैसे सेव हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमें इस तरह के और बहुत सारे टिप्स चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।